8 chapter number 2 linear equation in one variable question exercise number 2.4 question number 9 a grandfather is 10 times older than his granddaughter kya hai jo granddaughter hai uski age ka 10 times karenge to uske grandfather ki age mil jayegi he is also 54 years older than her aur wo kitna hai unki age 54 years zyada hai find their present ages उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स जो डॉटर है उसकी एज हम कितनी लेंगे एक्स ईयर्स अब क्या हो जाएगी द ग्रैंडफादर्स एज क्या हो जाएगी 10 टाइम्स दी है तो कितनी हो जाएगी 10 एक्स ईयर्स राइट उनकी एज उससे 10 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स है मतलब 10 एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा अब क्या दिया हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या दिया हुआ है ओल्डर देन क्या दिया हुआ है 54 ईयर्स ऑलरेडी उससे ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 54 प्लस ग्रैंड डॉटर्स एज उसकी एज में हम इतना ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी किसकी एज मिल जाएगी ग्रैंड फादर्स की एज 54 प्लस इसकी कितनी एज है एक्स ईयर्स राइट तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जो उनकी ग्रैंडफादर की एज है वो 10x है और हमारी इसकी एज कितनी आई x प्लस 54 हमारी ग्रैंडडॉटर्स की एज आ गई वी हैव नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड वी विल सॉल्व इट तो क्या आ जाएगा 10x यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ये हमने क्या किया ट्रांसपोजिंग ऑफ x टू किस तरफ किया LHS यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 54 x इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9 ये हमने क्या किया ट्रांसपोजिंग ऑफ 9 राइट टू RHS यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे आया डिवाइड में x इक्वल टू 9 1 9 9 6 54 तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ पे हमें क्या मिली है ये ग्रैंड डॉटर्स एज राइट ये उसकी ग्रैंड डॉटर की एज मिल गई अब जो उसकी ग्रैंड फादर की एज है ग्रैंड फादर्स एज क्या थी वो 10 टाइम्स थी राइट 10x थी यहाँ पे दिया हुआ है सो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 x की वैल्यू 6 तो क्या आ जाएगा 60 ईयर्स राइट तो ग्रैंड फादर की एज हमारी कितनी आ गई 60 ईयर्स क्वेश्चन नंबर 10 अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज अमन की एज है वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स है 10 इयर्स अगो मतलब पहले ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज उसकी जो 10 साल पहले उसकी एज है उसके सन की एज से कितनी थी 5 टाइम्स थी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन यहां पे हम क्या कह रहे हैं एक्स ईयर्स तो उसके मतलब अमन की एज कितनी हो जाएगी अमन्स एज विल बी अगर हमने उसके सन की इतनी ली है तो उसकी 3 टाइम्स थी तो कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x ईयर्स राइट अब क्या दिया हुआ है 10 इयर्स अगो दोनों की एज हम 10 इयर्स अगो देखेंगे तो सन्स एज उसके सन की एज कितनी ली हमने एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस टेन राइट अब अमन की एज जो 10 इयर्स बिफोर कितनी होगी अब वो मतलब बिफोर तो कितनी ली थी हमने 3x माइनस 10 इयर्स राइट ये हो गई उन दोनों की प्रेजेंट एज और ये हो गई उन दोनों की 10 इयर्स अगो मतलब 10 साल पहले की उनकी एज हो गई अब क्या दिया हुआ है ही वॉज 5 टाइम्स देन हिज सन उसके जो 10 साल पहले वो कितना था उसकी एज थी वो 5 टाइम्स थी किससे उसके सन की एज से 5 टाइम्स थी राइट तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 टाइम्स
सन्स एज और उसकी जो 10 ईयर बिफोर की एज थी तो कितने की है 3x माइनस 10 ईयर्स। जब उसकी 10 ईयर बिफोर की एज थी उतनी ही उसके सन की 10 ईयर बिफोर एज थी उसमें क्या थी 5 टाइम्स थी राइट। जब इसका हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उतना ही हमारा उसके फादर की एज आएगी। तो ये हमारा क्या आ गया सन की एज कितनी है यहाँ पे 5x, यहाँ पे हम क्या लेंगे 5x माइनस 10 राइट उसके सन की है जो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 10। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5 टेंस आर 50 3x माइनस 10 राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 50 इक्वल टू माइनस 10। ये हमने क्या किया ट्रांसपोजिंग ऑफ किसका किया हमने यहाँ पे 3x को कहाँ किया टू LHS। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 10 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 50। ये हमने क्या किया अगेन ट्रांसपोजिंग ऑफ किसका किया माइनस 50 टू कहाँ किया RHS राइट माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। सो 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 50 माइनस 10 40 यहाँ पे हमारा माइनस में और ये प्लस में तो 50 हमारा प्लस में तो आंसर हमारा 40 प्लस में आएगा। x इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2 ये हमने क्या किया ट्रांसपोजिंग ऑफ 2 टू RHS यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आया तो डिवाइड में तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। x हमने किसकी वैल्यू ली थी सन्स एज सो अमन्स सन्स एज कितनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। ये क्या हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज। अब उसके फादर की मतलब अमन की एज कितनी हो जाएगी अमन के जो बेटा है उसकी एज मिल गई। अब अमन एज कितनी हो जाएगी हमारी हमने कितनी ली थी यहाँ पे 3 टाइम्स सो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 तो कितनी हो जाएगी 60 ईयर्स। उसके फादर की मतलब अमन की एज है वो हो जाएगी 60 ईयर्स।